दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ गीता के दो कमाल के श्लोक हिंदी में। पहला श्लोक है गीता का दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक, जिसमें भगवान स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि स्थिर बुद्धि का व्यक्ति ऐसा होता है जैसे कछुआ अपने संकट आने पे अपने सभी अंगों को अपने खोल के अंदर समेट लेता है, ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाला जो पुरुष होता है वो अपनी इंद्रियों के वश में ना होकर अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। जैसे कि आप समझिए कि ऐसे कि जैसे आपको आपका पेट भरा हुआ है एंड somebody brings सम गुड फूड्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपके मन में जो है उस खाने को खाने की लालसा नहीं आनी चाहिए जस्ट बिकॉज इट इज़ इट लुक्स डिलीशियस। वो आपको उसके मन में खाने की इच्छा नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, राइट? इसी तरह से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पद पे बैठा है, ही इज सम हाई डिग्निटरी एंड समबडी ऑफर्स हिम सम ब्राइब, कोई उसे अच्छी ब्राइब ऑफर करता है 10 लाख 20 लाख, ठीक है, और उस व्यक्ति को अगर उसको उस लालच से विचलित नहीं होना है, उसको गलत रास्ते पे नहीं जाना है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल ऑन द सेंसेस एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय द सेंसेस। ये भगवान का मतलब है कि आपको इंद्रियों को अपने वश में करना है, इंद्रियों के वश में नहीं जाना, इंद्रियों के वश में नहीं होना। दूसरी जो श्लोक है भगवान बताते हैं वो है गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि स्थिर बुद्धि का पुरुष ऐसा होता है जैसे समुद्र जिसमें नाना प्रकार की नदियाँ गिरती हैं, ऐसे ही आपके मन में भी हजारों तरह की कामनाएं आती हैं, है ना, लेकिन आपको उन कामनाओं से विचलित नहीं होना है। जो अपनी कामनाओं को अपने अंदर समेट लेता है और वो दैट पर्सन इज हैप्पी, नॉट द पर्सन हु रन्स आफ्टर थिंग्स। भोगों के पीछे भागने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। जो आदमी अपने आप को ऐसा बना लेता है, उसका जिसका अपने ऊपर कंट्रोल इतना अच्छा है जैसे समुद्र का कंट्रोल है, उसमें हजारों नदियां गिरती हैं फिर भी समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं लांघता है, ऐसे व्यक्ति को ही शांति प्राप्त होती है। ये भगवान ने लक्षण बताए हैं स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।